नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रॉफिट भाई। एंड इफ यू रिमेम्बर, जब से चुनाव के नतीजे आए 4 जून से, और 9 जून राहु काल में 7:20 PM जब प्रधानमंत्री साहब ने, आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, शाम के वक्त आधी रात, इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस दिन 9 जून, उस दिन उन्होंने शपथ ली। सो वी आर एट डे 75 ऑफ डे 100। और उस टाइम मैंने शुरुआत में 15-20 दिन कवरेज किया था, आई थिंक 20-25 डेज तक, डे 21, डे 25। आप में से काफी लोगों को कवरेज अच्छा लगा था, तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि हम डे 50 पे थे, डे 75 पे भी एक 25-25 दिन में, पहले 100 दिन जो सरकार के होते हैं उसका एक रिपोर्ट, एक तरह से उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहिए, और शुरुआत में उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा पहले उसकी बात करते हैं, ताकि अगर आप में से कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, पॉलिटिकल एनालिसिस में, तो आपका टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ना? आप पहले 5 मिनट मार्केट की बात सुन के अपना दूसरा काम निपटा सकते हो, माइट एज वेल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर सुन सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज एक्सप्लोर माई चैनल मेंबरशिप्स। वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस, इनसाइट्स, रिसर्च, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एवरीथिंग इज देयर फॉर द मेंबर्स ऑन द चैनल। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरा जाके एक्सप्लोर कीजिए, आई एम श्योर यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। और मंथली मेंबरशिप है, 1-2 महीना ट्राई कर लो। हमारी चैरिटी सपोर्ट हो रही है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो रहा है, तो वैसे भी महाराष्ट्र स्टेट ने वो अनाउंस किया ही है, तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को, मेरा तो शुरू से वो ऑब्जेक्टिव है दैट द गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी एजुकेटेड सो दैट पूरी फैमिली एजुकेट होती है। एक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से पूरी फैमिली सवर सकती है। अंडर प्रिविलेज और जो पीड़ित पिछड़े हुए लोग हैं, आदिवासी टाइप के लोग हैं, उनकी एजुकेशन में मेरा ज्यादा ध्यान है। सो मार्केट पे डे 75 ऑफ 100, जब से ये सरकार, अभी मैं एकदम फ्री फ्लोइंग आपसे बात कर रहा हूँ, देखो मेरा कोई नोट नहीं है, कुछ नहीं है, देर इज नो टेलीप्रॉम्प्टर, अनलाइक आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बहुत दौड़ 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 गफड़ा करते हैं, और बहुत सारा उनका, अभी देखो आप, मैंने आपको पहले ही कहा था, सारी चीजें आस्ते 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 बाहर आ रही है। डे 75 ऑफ डे 100 मतलब 2.5 महीने हो गए, 2.5 मंथ्स एग्जैक्टली। सो मैं तो आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, जिस तरह लक्षण है, वेन एवर देर इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट तो बिल्स पास नहीं होते। अच्छा, पहले मार्केट पे फर्क, मार्केट इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज DII के पास 1 लाख करोड़ तक का अभी भी कैश पड़ा है। टुडे वी आर ऑन 24th August 2024, इंटरेस्टिंग डेट, 24th August 2024 पे हम लोग बैठे हैं, और बाजार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि बाजार में कुछ ओवर वैल्यूएशन है, बट ओवर वैल्यूएशन तो है गाइस, यू कांट डिनाई दैट। वो बाजार में दिखेगा नहीं टिल द टाइम द लास्ट बुल इज लेफ्ट इन ऑन द स्ट्रीट, वो ओवर वैल्यूएशन दिखेगा नहीं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बाजार में स्ट्रेंथ बहुत गजब की दिख रही है, मतलब तगड़ी शक्ति दिख रही है फर्स्ट टाइम। मैंने कहा था ना शायद पुराने हमारे एक वीडियो में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। नो बडी हु इज अ फंड मैनेजर, वो लाला टाइप के जमाने के भी लोग होंगे, किसी ने भी ऐसा टाइम हमारे मार्केट में इससे पहले पिछले 30 साल में देखा नहीं है, जहां FIIs बेच बेच के, बेच बेच पे पर्स खाली करके जा रहे हैं, और निफ्टी उतना ही ऊपर आ रहा है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आर बाइंग, DIIs आर बाइंग। आज के डेट में DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा ऑपरेटर है, सबसे बड़ा मार्केट में पैसा वो ही लगा रहा है, क्योंकि DII के पास रिटेल इन्वेस्टर का वाया म्यूचुअल फंड भी आ रहा है, और DII दूसरे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगाते हैं, बाय द वे सम ऑफ द DIIs। तो FII का टोटल ओनरशिप इन द मार्केट इज अराउंड 16-17%, ऑलमोस्ट सेम इज द DII, 16-17%, करीब 40-50% प्रमोटर्स के पास है, बाकी इंस्टीट्यूशंस और रिटेल के पास आप समझ लो 8-10-10-12% रिटेल होगा। तो अगर मैं रिटेल और DIIs को मिला दूं तो वी आर ऑलमोस्ट 28% ऑफ द मार्केट, नेक्स्ट ओनली टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के पास हर कंपनी में 40-45-50% होता ही है। अब ये बहुत बड़ी महाशक्ति है, रिटेल प्लस DII कंबाइंड, क्योंकि रूल है ना कि म्यूचुअल फंड हाउस के पास अगर पैसे आएंगे तो उनको 90% डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, 10% से ज्यादा वो कैश में बैठ नहीं सकते। इमेजिन ये फिगर बताने के बाद भी टोटल म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर सिटिंग ऑन 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ कैश, तो जो भी गिरावट बाजार में आती है वो बाय आउट कर रहे हैं।
तो अगर मार्केट गिर नहीं रहा है, अब मैं इसके पॉलिटिकल इंटोनेशन पे आता हूँ। निफ्टी का जो लेवल है ना, वही ध्यान में रखना है आपको, 24,100 फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। उसके नीचे अगर गिरे तो 23,830 फाइनल सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट, दैट इज अ बजट डे लो। इफ दैट ब्रेक्स देन थोड़ा पैनिक सेलिंग वगैरह 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 करके 22,300 इज द डेड एंड। मेरे को लगता नहीं है 22,300 से नीचे कभी भी बाजार गिरेगा, आई पर्सनली डोंट थिंक सो, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 22,300 फ्रॉम दिस लेवल मीन्स 10% करेक्शन, 9 to 10%, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। इतना तो अब इस लेवल से तो जितना कैश पड़ा है बाजार में, लगता भी नहीं कि ये आएगा, लेकिन अगर आया भी तो आपका वर्स्ट केस सिनारियो क्या है निफ्टी पे 22,300, बेस्ट केस सिनारियो क्या है, निफ्टी 25,000 चला जाए, लेकिन 25,000 के बाद क्या वो बढ़ता ही रहेगा? नहीं। हियर कम्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि करेक्शन अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो कभी कभी मार्केट 1-2 साल 1-2 साल 3 साल साइडवेज भी हो सकता है, शायद 1 साल, शायद 6 महीना साइडवेज, मतलब 25,000 गया फिर 24,100 पे आया, फिर 3 महीने ढकल ढकल के ढकेल ढकेल के 25,000 गया, अगेन 23,800, बट सपोर्ट ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है। सो एंट्री एग्जिट साइडवेज साइडवेज मार्केट क्यों होता है? हर लेवल पे इन्वेस्टर पैनिक में या तो बाय करते हैं या पैनिक में बेचते हैं। म्यूचुअल फंड और DII जब तक पैसा लेके बैठे हैं तब तक गिरने तो देंगे नहीं। एंड वन मोर रीजन, वी आर फॉरगेटिंग दैट मोस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स आर नाउ यूजिंग एल्गोरिदम्स। तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप और मैं अगर ट्रेड करेंगे मैन्युअली, 1 मिनट में मैं कम से कम मैक्सिमम कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड डालूंगा, 30-30 3 ट्रेड डालूंगा, और क्या। एक एल्गोरिदम जो होता है ना, वो 1 मिनट में 2,000 ट्रेड्स डाल सकता है। तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स ट्रेडर्स जो भी हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर है वो इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट उनके स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं, तो वो मार्केट को रेजिस्टेंस के ऊपर जाने भी नहीं देते, और उसके बनिस्पत व्हेन मार्केट फॉल्स उसको एक सपोर्ट लेवल पे मेंटेन भी करके रखते हैं एल्गोरिथम्स। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्ट, आई होप जो लोग शुरू से जुड़े हुए थे वो आगे भी जुड़े रहेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली आज 24 तारीख है, 24th August, 75 डे 75 ऑफ 100, मैंने शुरुआत में ही बोला था, जो जो इस सरकार के साथ बुरा हो सकता था वो हुआ है पिछले 75 दिन में, वो है ना, सम ग्रेट पर्सन हैड मेंशन्ड एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एंड इट हैज एक्चुअली गॉन रॉन्ग। रेलवे के एक्सीडेंट्स हुए हैं, पहले 30 डेज में लगा था चलो 1 महीना चलेंगे बाद में बंद हो जाए, एक्सीडेंट्स बंद ही नहीं हो रहे, रेलवे डीरेल हो रही है सडनली। आप देखो बॉर्डर पे सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल हो गई है, वी कीप हियरिंग अबाउट आर जवान्स लूजिंग देयर शहीद हो रहे हैं, लूजिंग देयर लाइफ टू द मिलिटेंट्स, थोड़ा बहुत वो बढ़ गया है। प्लस ये यूपीएससी का स्कैम, एक स्कैम आता है वो शांत होता नहीं है कि दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा अभी स्टेट्स में चुनाव है तो सरकार भी अपनी सरकार बचाने के लिए सब कुछ करेगी। चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ का सरकार ने लॉलीपॉप झुंझुना तो चिपका दिया, नीतीश बाबू को भी दे दिया तो वो लोग चुप हैं, बट दे हैव डेफिनेटली गिवन एन इंडिकेशन दैट दे आर नॉट हियर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, दे वॉन्ट टू हेल्प देयर स्टेट्स, एंड वो लोग करेंगे, वो उनका दायित्व है। बट अल्टीमेटली वॉट इज हैपनिंग इज 3 या 4 बड़े बड़े बिल्स जो इन्होंने लाने की कोशिश की थी, जो अगेन योर्स ट्रूली पहले ही आपको बोला था ना, राज्यसभा में नंबर्स नहीं है, पब्लिक का आउटरेज इतना है, ये पास नहीं करा पाएंगे। कम से कम 3-4 बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स जो सरकार ने कोशिश की, बजट की बात दूसरी है, बजट जो है बजट इज अ फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल लोकसभा में ही पास होता है, ज्यादा से ज्यादा सरकार वही सब चेंज कर सकती है जो फाइनेंस बिल के अंडर आता है, तो बजट राज्यसभा में टेबल नहीं होगा, वो पास हो जाता है, बट जो बाकी मेजर लेजिस्लेशंस हैं वो तो गवर्नमेंट पास नहीं करा पाई। लैटरल एंट्री वाला मुद्दा वापस ले लिया प्रधानमंत्री, वहां यूक्रेन में जाके मिले उसको भी हक कर रहे हैं, पुतिन को भी हक कर रहे हैं, डिप्लोमेसी का मैसेज तो जा रहा है, वॉर रुकवा दी पापा वाला कैंपेन चला गया, वॉर रुकवाना तो दूर रहा, खुद ट्रेन में जा रहे हैं, आप तो एक फोन करके वॉर रुकवा सकते थे, तो आप फ्लाइट में क्यों नहीं जा रहे, सिक्योरिटी कंसर्न ना, तो मान लो ना भाई कि वो सब जुमला था। इधर हम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, पब्लिक को पागल समझने का काम करते हैं ये लोग, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड।
अभी पब्लिक क्या है, समझदार हो रही है, दे आर बिकमिंग फाइनेंशियली लिटरेट, दे आर बिकमिंग पॉलिटिकली, हमारा जो इलेक्टोरेट है वो पॉलिटिकली लिटरेट हो रहा है, यानी वो समझ रहा है मैंने किसको वोट दिया था, मैं किसके साथ जाऊं, कहाँ ऑपोजिशन वीक है। और देखो ऑपोजिशन भी कोई दूध के धुले नहीं है, सारे पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आई एम प्रिफरिंग ऑपोजिशन, तो मतलब वहां से तो उम्मीद ही नहीं थी, तभी तो इनको चुना था, बट इन्होंने और गड्ढा कर दिया, इसलिए पब्लिक के पास ऑप्शन क्या है, देर इज नो अल्टरनेटिव का मतलब है देर इज नो अल्टरनेटिव लिटरली। तो अब जो पुराने ऑल्टरनेटिव को वोट जा रहे थे वो भी नहीं जा रहे हैं, और 75 डेज में सरकार ने दिखा दिया कि वो लोग तो कंटिन्यूटी का मैसेज देना चाहते हैं, बट आई हैव नेवर सीन मिनिस्टर्स लाइक पीयूष गोयल, इवन एस जयशंकर, अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स थे वो, आई हैव नेवर सीन देम सो हैपलेस होपलेस इन द पार्लियामेंट। लोकसभा का सेशन होता है, बजट सत्र भी हुआ, आप देखो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जभी जभी लोकसभा का सेशन हुआ है, मीडिया के जो टीआरपी रेटिंग्स है आप देखो, संसद टीवी हैज बैक द मैक्सिमम टीआरपी। कब आपने अपने देश में ये सुना था कि संसद टीवी लोग देख रहे हैं लाइव, क्योंकि पीपल आर नाउ इंटरेस्टेड टू नो द रियलिटी, इंडिया जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, ये फैक्ट है। मैं आपको बोलूं कोई घटिया से घटिया सरकार भी आ जाएगी ना तो भी 6.5% हम लोग ग्रो करेंगे, ये पहले भी हो चुका है। सो इट्स नॉट अबाउट अ जीडीपी ग्रोथ, इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, वी हैव 142 करोड़ पीपल टू फीड, तो जीडीपी ग्रोथ तो आने ही वाली है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज अवर जीडीपी साइज टुडे इज ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन, जापान एंड जर्मनी आर नंबर 3 एंड नंबर 4, वो दोनों ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन, 4.9 समथिंग। जैसे ही इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, वो तो दिख रहा है ना, 3 साल में आप हो जाओगे, बट इसमें मेरे को समझ में नहीं आता है, इसमें क्रेडिट लेने वाला सरकारी बाबू कौन होता है, ये उनका नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट शुड स्टॉप द पीएसयूज, 1800 पीएसयूज है जो डिफंक्ट हैं, जिनके लिए बजट में प्रावधान और प्रोविजनिंग किया जाता है, वो डिफंक्ट हैं, डिफंक्ट, दे आर नॉट वर्किंग। 1800 में से मेरे ख्याल में, चलो आई टेक बैक माई स्टेटिस्टिक, मैंने पहले ये वीडियो में डाला था, 1800 में आई थिंक 450 और समथिंग आर डिफंक्ट, वो चल भी नहीं रही है, बाकी 1400 आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं डकेल डकेल। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रधान सेवक ने ये कहा था 2014 में, बहुत सारे लॉयल सपोर्टर्स भी अभी उनसे दूर हो रहे हैं। Day 75 की हालत ये है, प्रधानमंत्री यूक्रेन में जाके, और पोलैंड, जो यूक्रेन के साथ उनका ट्रिप था, पोलैंड में भी वो गए, ही इज टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र एंड हाउ छत्रपति शिवाजी के वंशज महाराष्ट्र में, जब पोलिश पीपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तबाही सबसे ज्यादा पोलैंड में हुई थी एक्चुअली, तो महाराष्ट्र ने उनको शरण दी थी। कैन यू इमेजिन, आप 15 अगस्त की उनकी स्पीच देखो, आप प्राइम मिनिस्टर का टोन, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देखो, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 10 साल में, 11 साल में इतना वीक हमने नहीं देखा है। बाजार को इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि बाजार में पैसा बह रहा है, और बाजार क्या देख रहा है, रेट कट होने वाला है सितंबर अक्टूबर व्हाटएवर, आरबीआई को आइडियली अब तक रेट कट कर देना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं क्योंकि वो यूएस को फॉलो करेंगे। जैसे ही सितंबर में, आप देखना प्रॉफिट भाई की गारंटी, सितंबर में अगर मोस्ट लाइकली जैसे यूएस रेट कट करेगा, आप देखो अक्टूबर में आरबीआई की मीटिंग में उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज में पीछे पड़े, पीछे रह जाएंगे वो लोग, करेंसी का हिट लेंगे, करना ही पड़ेगा, तो पहले ही कर दो ना यार, लेकिन नहीं, वेट करेंगे, यूएस मदर ऑफ ऑल मार्केट्स पहले करे फिर हम करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट का बेसिक जॉब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाओ, काम प्राइवेट सेक्टर को करने दो, सिंपल, यही काम नहीं हो रहा है। सारे पीएसयूस, डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हो गई, बीपीसीएल को तो बेच नहीं पाई सरकार, जहां जहां कुछ कदम उठा रहे हैं 3 दिन में वापस ले रहे हैं, यू नो समथिंग इज। और बेबी बेबी का तो आपको पता ही है, बेबी के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल आ गया कि मैं मेरे को लग रहा है कि बस एक वही बचा था होना, कि बेबी को भी इन्होंने उठा के आउट ऑफ द बाथ वाटर, मतलब हिंडनबर्ग ने सीधा बेबी के ऊपर बोल दिया कि तुम लोग ही साला सारे चीजों की जड़ तुम ही लोग बताओ, और उनके पास प्रूफ है। खैर वो मामला भी अभी तक दबा हुआ है, लेकिन वो इतनी आसानी से चुप होने वाला नहीं। आई वॉज मेंशनिंग वन पॉइंट विच अदरवाइज आई विल फॉरगेट।
बट क्विकली मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। FNO में जो उन्होंने चेंजेस किए वो अभी पता नहीं, अक्टूबर से बोल रहे लागू हो जाएंगे। खैर, अनसर्टेनिटी तो हमें कभी चाहिए ही नहीं। गवर्नमेंट का काम है आप पॉलिसी बनाओ, पब्लिक को, प्राइवेट कंपनीज को रन करने दो। BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट में बोल रहा था सरकार करवा नहीं पा रही है ना। उसके बाद जितना भी इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं वो टैक्सपेयर, टैक्सेशन में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आपने बजट में देख लिया। हम टैक्सवासी ऐसे ए वही थोड़ी बोलते हैं आपको, मेरे प्यारे टैक्सवासियों क्यों बोलता हूँ। हर एक चीज देखो जो बोली वो अब आपको कथित रूप से दिखती जा रही। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन शॉर्ट इज गेटिंग आइदर एक्सपोज और कमिंग आउट इन द पब्लिक। जितना ज्यादा पब्लिक नॉलेजेबल होगी वो चीजें समझ रही है, ग्रास्प कर रही है। अब आखिर में हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में होने थे, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के डेट्स तो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए, महाराष्ट्र के डेट अनाउंस नहीं किए, क्योंकि मालूम है कि बैकफुट पे है रूलिंग पार्टी यहाँ। अब आई डोंट नो उनके पीछे का लॉजिक, उनके 50 तरह के चाणक्य नीति और बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक्स उनके दिमाग में चल रहे होंगे। जितना मैं समझाऊं इस रीजन को, महाराष्ट्र मतलब मुंबई इज स्टिल द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, आप कुछ भी बोलिए, तो वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र अगर वो हारे, बिटवीन महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, देयर बेस्ट चांसेस आर इन हरियाणा। मतलब बोलते हैं ना अंधों में काणा राजा, तीनों में वीक है रूलिंग पार्टी, तीनों में कमजोर है, लेकिन जीतने का अगर चांस बोलेंगे सबसे ज्यादा तीनों में अंधों में काणा राजा कौन है तो वो हरियाणा। मैक्सिमम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके, टक 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 करके, झुंझुना बजा के, रेवड़ी बांट के, खुद बोलते हैं रेवड़ी नहीं बांटना, सबसे ज्यादा रेवड़ी खुद बांट रहे हैं। तो जो हिपोक्रेसी है ना, अ गुड लिटरेट इलेक्टोरेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी। हमको तो यहीं रहना है, हम यहीं रहेंगे, लेकिन आप पॉलिटिक्स में फंसने के बजाय उनसे सवाल पूछो। वो मैं कह रहा था कि हरियाणा में उनको लगता है कि अगर हम जीत गए समहाउ, उसके बाद वो मोमेंटम कैरी करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव के डेट उसके बाद अनाउंस हो। सो दैट इज द, क्योंकि वो हारना नहीं चाहेंगे महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में पब्लिक ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है, पब्लिक इतना कंफ्यूज हो गई है, जिसको भी वोट दो वो आगे जाके पार्टी बदल देगा। सो मतलब कोई सिद्धांत, कोई ऐसा एक टोनैलिटी होना चाहिए ना कि इसको हम पकड़ें। पब्लिक इज टोटली अपना रास्ता निकालेंगे, इलेक्शन के डेट्स आएंगे तो उसमें, खैर 25 नवंबर के पहले तो उनको कराना ही पड़ेगा महाराष्ट्र इलेक्शन, बिकॉज वो लैप्स हो जाएगा नहीं तो लास्ट इलेक्शन का जो डेडलाइन है। हाँ, एक बिल ये लोग लेके आना चाह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, डिजिटल, वो मैं उसका नाम भूल गया। एक तो ये लोग नाम भी ऐसे रखते हैं ना, ये स्वच्छ, ये स्वच्छ भारत तो बहुत अच्छा, पता नहीं वो योजना कहाँ चली गई, प्रधानमंत्री डिजिटल। मैंने कहीं एक जोक पढ़ा था कि इंस्टाग्राम, अच्छा हुआ अभी तक पीएम ने उसको पकड़ा नहीं, नहीं तो वो भी हो जाता प्रधानमंत्री निशुल्क टाइम पास योजना, ऐसा कुछ उसका नाम रख देते। तो एनीवे वो डिजिटल बिल लाने की बात हो रही थी। और देखो वही मैं कह रहा हूँ, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। सरकार अनाउंसमेंट बहुत कुछ करेगी बट क्या वो बिल लागू होगा या नहीं, राज्यसभा में तो इनके पास नंबर्स नहीं है, क्लियरली नहीं। और जो बिल लोकसभा में अगर चलो गिरते पड़ते पास हो भी गया, राज्यसभा में तो होने वाला नहीं, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी और उड़ीसा वाले, अब उनका नाम क्या है मैं कैसे भूल गया, 25 साल 30 साल जीते, अभी इस बार हार गए, रूलिंग पार्टी से धोखा खाया उन्होंने, नवीन पटनायक, यस, ये लोगों के मेंबर्स जो थे वो तो वोट नहीं करेंगे। वो तो बिल पास नहीं होगा, अगर बिल पास नहीं होगा, डिजिटल राइट्स का बिल था जिसमें सब यूट्यूबर्स को बहुत सारे क्राइटेरिया पास करके, वो लाइसेंस राज जैसे टाइप की बातें हो रही थी, वो पास नहीं करा पाया। जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बेबी का जो ये रूल्स है FNO को लेके, वो भी पास नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। वो लोग से बवाल करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, वट एवर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट वो पास होगा, वट एवर इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, चाहे वो टैक्सेशन हो, डिजिटल राइट्स हो, यू कैन नॉट टेक अ राइट ऑफ अ पर्सन टू गो एंड वॉइस इज ओपिनियन ऑन यूट्यूब, यू जस्ट कांट, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। डिस्क्लेमर के साथ आप कुछ भी कर लो, बेबी के, बेबी को डिस्क्लेमर देने का फायदा क्या है, बेबी का खुद का कुछ बचा नहीं है, विश्वसनीयता, देयर एंटायर डिसेंसी इज एट स्टेक। लेकिन अब क्या करेंगे ये लोग, हाँ आखिरी में स्पॉटलाइट इफेक्ट, रिमेंबर हाँ स्पॉटलाइट, जहां इनके ऊपर कुछ आएगा आप देखोगे कैसे खबर यहाँ से वहां टकराए, यूक्रेन चले गए, पोलैंड चले गए,
और बेबी ने क्या किया, मोटा भाई के छोटे ब्रदर, छोटा भाई के ऊपर इनको हमने बैन कर दिया 5 साल के लिए। आप जानते ही हो मैं किसकी बात करूं। स्पॉटलाइट इफेक्ट में फंसना मत। स्पॉटलाइट इफेक्ट इज कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग यहाँ बैकफुट है, चलो लद्दाख में कुछ कर देंगे, चाइना को पकड़ के मार देंगे, वहां पूरा नेशनलिज्म उधर चला जाए। सो यही नैरेटिव है, यही होता आया है, यही हो रहा है। अल्टीमेटली देश अपने हिसाब से ग्रो करता है। आई थिंक इफ एवर देर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब आर कंट्री, राम भरोसे बिल्कुल सही टर्म है। अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो, या ऊपर वाला है, या वाहेगुरु है, तो वो इंडिया में ही है। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री जिस तरह चल रही है ना, वो ऊपर वाले के भरोसे ही चल रही है। ये आप लिख के ले लो। ग्रोथ तो हम वैसे भी कर देंगे, सरकार के हाथ में ग्रोथ है नहीं। जब तक देश का GDP ग्रो कर रहा है, आपका नॉमिनल GDP अगर 11% ग्रोथ है, रियल GDP रेट 6.5-7.5% तो होता ही रहेगा। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स नॉमिनल GDP के 2-3% ऊपर, आप 12-13% पकड़ लो, तो निफ्टी का ग्रोथ भी 12-13% तो आपको दिखेगा ही। सो नोबडी कैन स्टॉप ऑल दैट। मार्केट ने एक्चुअली ना अपने आप को पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट काफी हद तक कर लिया। लेकिन 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 अगर किसी भी वजह से ये सरकार गिरी, किसी भी वजह से गिरी, वट एवर रीजन, मैं नहीं जानता, मुझे लग रहा है 6 महीने, आज हम Day 75 पे बैठे हैं, अगर हम Day 180 तक, तो मैं नहीं करूंगा, 100 डे का आपको वृत्तांत रिपोर्ट दे दूंगा, बट 180th डे के पहले अगर, जो मेरा आकलन है, किसी भी वजह से अगर ये गिरती है, तो सबसे ज्यादा पेले जाएंगे अनाड़ी ग्रुप के स्टॉक्स, आप समझ ही गए हो। और उनको पेलने वाला सबसे आगे मैं भी रहूं, जो हाई डेट, हाई लेवरेज, ज्यादा लोन लेके बैठे हैं। मैंने पहले के वीडियो में बताया ना, वो अपना बेच भी रहे प्रमोटर्स, अनाड़ी को सबसे पहले दिखाएंगे, अनाड़ी का खेल कहाँ जाके खत्म होता है। सब पेलेंगे उसको, मतलब शॉर्ट करेंगे उसको, बहती गंगा में सब शॉर्ट करेंगे, शायद सर्किट पे सर्किट डाउन, अगर अगर इफ एंड ओनली इफ। अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है पक्का कि मैं आपको बोलूं आएगा तो यही, बट अगर गिरी तो सबसे ज्यादा नुकसान भाई, मोटा भाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाजार का एक ही बादशाह है और वो आप भी जानते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। HDFC बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार किसकी। सो इस तरह की कंपनीज हम लोग को भी थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से देखनी चाहिए, जिनको सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रॉफिटिंग एंड डू एक्सप्लोर आर मेंबरशिप्स फॉर मोर कस्टमाइज्ड इनसाइट्स ऑन द मार्केट, एंड पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने उस पर लोड किया है उसके लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।